Actually, we didn't experience this sort of thing. So, but I'm loving it at the moment. Security-wise, I think probably Pakistan is providing us the best security that they can have. So, I'm happy for all the arrangements. मेरा सवाल है कि क्या हारिस रूफ और एहसान अली कल डेब्यू कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उम्मीद तो है. अभी जब बैठेंगे टीम बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो इस बहुत ही प्यारी लवली मुस्कुराहट पे लाइक तो बनता है. लाइक लाजमी कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा या फिर जीतेगा बांग्लादेश. जो भी जीतेगा जीतेगा सिर्फ एक और वो है पाकिस्तान इंशाल्लाह. कोई प्यारा सा जुमला ज़रूर लिखेगा क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ऐसी सामने आ रही है कि हारिस रऊफ और एहसान अली साहब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें. चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे की अलामत को ज़रूर क्लिक कीजिएगा. तो जनाब, जैसा कि आपने शुरू में सुना कि बाबर आजम साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां होंगी और तब्दीलियां कुछ ऐसी होने जा रही हैं कि पाकिस्तान टीम में बहुत ही आला किस्म के दो खिलाड़ी, एक एहसान अली साहब जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाबर आजम के साथ ओपनिंग भी करेंगे, दुनिया के नंबर वन बैट्समैन के साथ ओपनिंग भी करेंगे एहसान अली साहब. वैसे क्या खुशकिस्मत इंसान है यार एहसान अली. उनके बाद बात करते हैं हारिस रऊफ जो कि छप्पड़ फार के पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हुआ और वो भी आपको डेब्यू करते हुए दिखाई दिए जाएंगे. पाकिस्तान की किट ग्रीन किट में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे. पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे. उनके डेब्यू के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बल्कि 99.99% चांसेस हैं कि ये दोनों खिलाड़ी आपको डेब्यू पाकिस्तान की तरफ से करते हुए दिखाई दिए जाएंगे. जबकि अमाद बेट के भी चांसेस कुछ ऐसे ही रोशन है कि वो भी डेब्यू कर सकते हैं. बैरल इस चीज़ का मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा. कंफर्म जिन खिलाड़ी का मैंने आपको बता दिया वो आपको जरूर इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जरूर आपको डेब्यू करते हुए दिखाई दिए जाएंगे, जैसा कि बाबर आजम साहब ने फरमाया भी है. अब देखना होगा कि क्रिकेट तारीख का, इस पाकिस्तान तारीख का, वैसे पाकिस्तानी तारीख के इस खुशकिस्मत बल्कि बहुत ही आला किस्म के T20 मैच में जहाँ बाबर आजम साहब आपको कप्तानी करते हुए दिखाई दे जाएंगे, उस मैच में इन दो खिलाड़ियों की एंट्री से पाकिस्तान टीम के लिए क्या फायदा होता है? तो बाबर आजम साहब कुछ ऐसा फरमाते हैं कि पाकिस्तान टीम जरूर जीतेगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के जीतने के भी वैसे चांसेस भी काफी ज्यादा हैं. इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा. लेकिन आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हारिस रऊफ कितनी विकेट हासिल करेंगे, इसके अलावा एहसान अली कितने रन स्कोर कर पाएंगे, ये आप लोगों ने जरूर से मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना. बाकी जनाब देखते हैं, इतना टाइम तो नहीं रह गया, बस इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इंतजार है. जल्दी जल्दी T20 मैच हो जाए, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में. बहुत सारे ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. मेरा सवाल है कि क्या हारिस रऊफ और एहसान अली कल डेब्यू कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उम्मीद तो है. अभी जब बैठेंगे टीम बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो इस बहुत ही प्यारी लवली मुस्कुराहट पे लाइक तो बनता है. लाइक लाजमी कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जरूर जीतेगा या फिर जीतेगा बांग्लादेश. जो भी जीतेगा जीतेगा सिर्फ एक और वो है पाकिस्तान इंशाल्लाह. कोई प्यारा सा जुमला जरूर लिखेगा क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ऐसी सामने आ रही है कि हारिस रऊफ और एहसान अली साहब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें. चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे की अलामत को जरूर क्लिक कीजिएगा. तो जनाब, जैसा कि आपने शुरू में सुना कि बाबर आजम साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां होंगी और तब्दीलियां कुछ ऐसी होने जा रही हैं कि पाकिस्तान टीम में बहुत ही आला किस्म के दो खिलाड़ी, एक एहसान अली साहब जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाबर आजम के साथ ओपनिंग भी करेंगे, दुनिया के नंबर वन बैट्समैन के साथ ओपनिंग भी करेंगे एहसान अली साहब. वैसे क्या खुशकिस्मत इंसान है यार एहसान अली. उनके बाद बात करते हैं हारिस रऊफ जो कि छप्पड़ फार के पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हुआ और वो भी आपको डेब्यू करते हुए दिखाई दिए जाएंगे. पाकिस्तान की किट ग्रीन किट में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे. पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे. उनके डेब्यू के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बल्कि 99.99% चांसेस हैं कि ये दोनों खिलाड़ी आपको डेब्यू पाकिस्तान की तरफ से करते हुए दिखाई दिए जाएंगे. जबकि अमाद बेट के भी चांसेस कुछ ऐसे ही रोशन है कि वो भी डेब्यू कर सकते हैं. बैरल इस चीज़ का मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा. कंफर्म जिन खिलाड़ी का मैंने आपको बता दिया वो आपको जरूर इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जरूर आपको डेब्यू करते हुए दिखाई दिए जाएंगे, जैसा कि बाबर आजम साहब ने फरमाया भी है. अब देखना होगा कि क्रिकेट तारीख का, इस पाकिस्तान तारीख का, वैसे पाकिस्तानी तारीख के इस खुशकिस्मत बल्कि बहुत ही आला किस्म के T20 मैच में जहाँ बाबर आजम साहब आपको कप्तानी करते हुए दिखाई दे जाएंगे, उस मैच में इन दो खिलाड़ियों की एंट्री से पाकिस्तान टीम के लिए क्या फायदा होता है? तो बाबर आजम साहब कुछ ऐसा फरमाते हैं कि पाकिस्तान टीम जरूर जीतेगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के जीतने के भी वैसे चांसेस भी काफी ज्यादा हैं. इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा. लेकिन आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हारिस रऊफ कितनी विकेट हासिल करेंगे, इसके अलावा एहसान अली कितने रन स्कोर कर पाएंगे, ये आप लोगों ने जरूर से मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना. बाकी जनाब देखते हैं, इतना टाइम तो नहीं रह गया, बस इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इंतजार है. जल्दी जल्दी T20 मैच
एपिसोड्स है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। बहुत सारे ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।